हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैं हूं सूरजराज। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीए सेकंड ईयर ज्योग्राफी का सेकंड पेपर है। ज्योग्राफी के सेकंड पेपर मतलब भूगोल का सेकंड पेपर है, और ये है भारत का भूगोल पेपर का नाम हो जाएगा, जिसे कहते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो मैं आपसे बता दूं, 2022 में आने वाले क्वेश्चन है बेटा, ये आने वाले क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात नहीं करता हूं मैं, आने वाले मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, मैं ये बोल सकता हूं, लिख के दे सकता हूं। आप मेरे क्वेश्चन जो बता रहा हूं उनको पढ़ लेना। यूपी की आप किसी भी यूनिवर्सिटी से है, बिहार के यूनिवर्सिटी से है, उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी से है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यहां से आप 85% लेके आएंगे, प्लस की बात कर रहा हूं मैं यहां। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम से दो दिन पहले केवल आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग, हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग होगा, लेकिन होगा इसमें से ही, इन्हीं क्वेश्चन में से उठा के दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका 70% फंसेगा, मतलब कि 7 क्वेश्चन यहां से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और वही मतलब इनमें से ही 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दूंगा जो सेम टू सेम आपके एग्जाम में आते होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, चलो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टेटस पर लगाएंगे और फेसबुक पर सेंड करेंगे सभी लोग। करो, तुम्हें तुम्हारी उनकी समझ लो, क्या है, कसम है, कह सकते हैं कसम। हाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। बेटा ध्यान से देख लेना, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन पर आपके पास बुक नोट्स गैस पेपर है तो उससे पढ़ाई कर लो, यदि नहीं है तो हमारे नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स है बेटा। आप एक बार पढ़ के मात्र से ही आप आसानी से अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। बाकी पूरे नोट्स की हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। आप पहले तो क्वेश्चनों पर टिक लगा लो। पहला क्वेश्चन है, भारत को जलवायु प्रदेश में विभाजित करते हुए मुख्य वितरण आपको बताना है। जैसे बोला गया है, भारत को जलवायु प्रदेश में विभाजित करते हुए प्रमुख आपको वितरण मतलब कि उसका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का वितरण बताना है और वर्षा की विशेषता क्या होती है। भारतीय नदियों का आर्थिक महत्व क्या है, भारत में जो नदियां हैं उनका आर्थिक महत्व क्या है उसके बारे में आपको बता देना है। मतलब कि जो नदियां हैं भारत के अंदर कुछ विशेषता होगी, महत्व का मतलब होता है बेटा विशेषता, बात वही है। यहां बोला गया है भारत में शीतकालीन जलवायु दशाएं कौन कौन सी होती हैं। शीतकालीन जलवायु दशाओं को आप याद करेंगे, भारत में शीतकालीन जलवायु दशाएं, भारत को प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र में विभाजित करने के बारे में, भारत को प्राकृतिक वनस्पति जो क्षेत्र है उसमें विभाजन के बारे में आपको बता देना है, किस प्रकार से विभाजन हुआ। भारत में कोला उत्पादन क्षेत्र के बारे में आपको याद रखना है, भारत में जो कोला का उत्पादन क्षेत्र है वो कहां कहां है, कैसे किया जाता है वो सब कुछ। और भारत में जल विद्युत के बारे में हमें याद कर लेना है, जल विद्युत क्या है भारत में, जल विद्युत के बारे में। साथ ही साथ बोलता है बहुउद्देशीय योजना का महत्व क्या है और क्या अभिप्राय है इस योजना से, बहुउद्देशीय योजना क्या होती है उसके महत्व के बारे में याद करेंगे, उसके अभिप्राय के बारे में याद करेंगे। भारत में हरित क्रांति को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत में हरित क्रांति के बारे में। भारत में सिंचाई की आवश्यकता एवं उनके साधन कौन कौन से हैं, भारत में किस प्रकार से सिंचाई होती है, उनकी आवश्यकता उनकी साधन क्या है वो आप याद करेंगे। भारत में सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ कहाँ होता है, चीनी उद्योग का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, सूती वस्त्र कहाँ कहाँ बनते हैं उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे, याद करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के बारे में याद करेंगे, भारत में प्रमुख बंदरगाह कहाँ कहाँ है उन बंदरगाहों के बारे में याद कर लेंगे, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लगभग में 5 से 7 बंदरगाह को याद कर लेना बहुत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख सड़क और उनके वायु मार्ग के महत्वों के बारे में देख लेना है, यदि भारत के अंदर कोई सड़क है वायु मार्ग है तो उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो कैसे कैसे कंडीशन से वो आप पूरा लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या होता है, उनकी समीक्षा किस प्रकार से की जाती है वो आप याद करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगा लो, ये है भारत में प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन और हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है, हिमाचल
हिमालय जो पर्वत है उसकी प्रमुख श्रेणियों के बारे में देखेंगे और भारत में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में देख लेंगे। ये मैंने ऊपर भी बता चुका हूं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय मिट्टियों का मिट्टियों की जो समस्याएं और उनका संरक्षण, देखो मिट्टियां तो जानते हो, भारत की जो मिट्टियां हैं वो उनकी समस्याएं क्या है, ठीक है। मिट्टी मतलब कि सॉइल की बात की जा रही है, सॉइल मृदा जिसे मृदा कहते हैं, मृदा तो जानते ही होंगे, मृदा की क्या समस्या है, उनका संरक्षण किस प्रकार से करेंगे, रोकथाम। संरक्षण का मतलब होता है रोकथाम, मतलब कहीं कट रही है कोई नदी आ गई इसको ले गई उड़ा के तो क्या करोगे भाई बताओ, अब कोई नदी मतलब कुछ आ रहा है उसको ले गई उड़ा के तो क्या करोगे, मट्टी को कटने से बचने के लिए पेड़ पौधों का इस्तेमाल करोगे, घास घसला लगाओगे भाई तो करोगे ना, बस वही सब कुछ यार। लेकिन ना यार यार ये तो कुछ होता नहीं है, बना बना के लिख देते यार, इतना तो बना बना के लिख के आएंगे, मतलब पेपर को मतलब कॉपी को खाली नहीं रहने देंगे, बस ये याद रखना, एक एक क्वेश्चन करके आएंगे। यहां बोला गया है भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संशोधन जो संसाधन होते हैं उन पर प्रकाश डालना है, और उसके बाद में है देखो बॉक्साइट है, बॉक्साइट का उत्पादन कैसे होता है, भ्रामक का उत्पादन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको पढ़ लेना ठीक है। और देखो उसके बाद में टिक लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देखो, यहां बोला गया है भारतीय कृषि में जो कह सकते हैं मशीनीकरण के बढ़ते हुए प्रयोग का आपको बताना है, जो मशीन हमें बढ़ रही है, मशीनीकरण जो बढ़ रहा है उनके प्रयोग के बारे में, सीमेंट उद्योग के बारे में, जनसंख्या वितरण का प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या के बारे में, विस्फोट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। भारत मानव संसाधन, देखो मानव संसाधन के बारे में, भारत में मानव संसाधन का वर्णन कर ले रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्राकृतिक संसाधन का मैंने वर्णन किया था, अब यहां मानव संसाधन की बात कर रहा है। भारत में निर्यात व्यापार की वृद्धि कैसे हुई वो आपको बताना है, भारत में निर्यात व्यापार की वृद्धि के बारे में देख लेना है, और भारत के जो भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता क्या है, भारत में भारत के जो विदेशी व्यापार है उसकी क्या क्या विशेषता रहती है उसको याद कर लेंगे। उसके बाद है भारतीय आदि, देखो क्या कह रहा है, भारतीय आदिवासियों को आदिवासियों की समस्या क्या है और उनके मध्य गंगा मैदान के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। तो भारतीय आदिवासियों की जो समस्याएं हैं, भारत में जो बसे हुए आदिवासी उनकी क्या क्या समस्याएं हैं वो बताना है, और मध्य गंगा मैदान, जो मध्य गंगा का मैदान है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ये सारी हम वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे आपको, और सभी छात्रों से कहना चाहेंगे हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और साथ ही साथ हमने एप्लीकेशन बनाई है जो आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी हमारे नोट्स को वहां से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको कोई भी समस्या आती है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हम हमेशा आपका साथ करेंगे, हमेशा साथ निभाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं हर परिस्थिति में मैं आपका साथ रहूंगा, ठीक है। 7x24 घंटे, यार मिनट की बात नहीं कर रहा, घंटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, बाय बाय टाटा लव यू। और दोस्तों यार बीए बाई पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो ताकि बीओ की वीडियो आपको वहां अलग से मिले, कोई इशू ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।